देश का व्यापार बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, खास करके जो कृषि सेक्टर के हमारे प्रोडक्ट है, शायद उसी को लेकर उन्होंने कहा है। तो इससे बढ़िया क्या है, वो तो पाकिस्तान से आगे की भी मैंने जितना सुना है, अगर वो हाल ही का बयान है मैं उसको तस्दीक नहीं करता, तो अगर वो अफगानिस्तान तक उन्होंने कहा है कि हमारा जब अफगानिस्तान से यहाँ प्याज आ सकता है तो हमारा भी वहाँ जा सकता है। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ अगर कोई कृषि सेक्टर का प्रोडक्शन है, चाहे मटर रहा या कोई भी चीज़ें रही हैं जो हमारे यहाँ सस्ता बिक रहा है, आज गोभी पीछे धक्के खा रही थी, अभी आलू जो है 5-6 रुपये है, तो अगर ये चीज़ें बाहर जाती हैं तो इससे बढ़िया तो डबल इनकम करने का किसान का कोई बढ़िया है ही नहीं इससे उपाय। अब मोदी जी कह रहे 22 तक हम डबल कर देंगे, कौन सा रोड मैप है, किस आधार पर उन्होंने करना है? 22 आ गया अगले साल, तो अभी तक तो हमारे लगता है जो हमारे पास थी वो भी जा रही है, अभी वो डबल तो होनी दूर है। जो हमें बेच रहा था पिछले 4-5 सालों में, इस बार इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, डीजल पिछले साल से 22-23 रुपये ज़्यादा है इस समय। अगर इस समय हम गेहूं कटाई करेंगे, पिछले साल गेहूं कटाई करी थी तो 23-24-23 रुपये डीजल का फर्क पड़ गया है। तो अगर वहाँ पर एक्सपोर्ट खोलने से विदेशों में हमारा जो कृषि प्रोडक्ट अगर जाता है तो इससे बढ़िया क्या है, अगर वहाँ पर रेट बढ़ जाए तो। ये तो सरकारों की सोच है, सरकारें इस पर वार्ता करती हैं, सरकारें इस पर फैसला करती हैं कब बंद करना है व्यापार और कब चालू करना, कब बातचीत करनी है। तो अगर हो सकता है तो अभी पीछे वैक्सीन भी दी है पाकिस्तान को, मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी में है, तो अगर ये वैक्सीन दे सकते हैं वहाँ पर हम, तो बाकी व्यापार क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए जिससे किसानों का फायदा हो, हमारा कृषि सेक्टर आगे बढ़े। मैं गुरदीप सिंह रामपुर में लिख किसानों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर गवर्नमेंट इस पर सोच पर चले तो। अगर गवर्नमेंट ने इस पर रोड़ा अटकाती है, नहीं चलने देती है, तो किसानों का नुकसान है इसमें, क्योंकि जो और चीज़ें आचार सकती है जो इन्होंने बख्शन दे दिया उनके पास, तो अगर बख्शन दे सकते हैं क्या किसानों की जिनसे नहीं जा सकती वहाँ जा सकती है? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इस बात का स्वागत करते हैं। नाम पलविंदर सिंह। पलविंदर सिंह जी, ये बताइए भारत पाकिस्तान का जो ऐसा है, ये जो व्यापार उन्होंने जो कहा है कि व्यापार खुल जाए तो अच्छी बात है, इसमें जो हमारे यहाँ सस्ती चीज बिक रही है, अगर वहाँ उनका रेट अच्छा मिलेगा, अगर अच्छा मिलेगा तो यहाँ किसानों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर ये चीज अगर कॉरपोरेट के हाथ में जैसे जाती है तो उसका फिर उसको लाभ मिलता है। जो अभी आप आगे जो ये कानून है, इसका जो बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट उन्होंने ही लेना है इस चीज़ का। इसमें उन्होंने तो जो सस्ते रेट में, आज देख लो, आज अभी आप मंडी में जाओगे और जो किसानों से आलू खरीदे जा रहे हैं उसका रेट क्या है, उसका रेट 3-4-5 रुपये तक का ले रहे हैं। और अभी आप जाके खुद खरीदने जाओगे मार्केट में, बाजार में, या आप बिग बाजार या मॉल में कहीं भी आप देख लोगे, 15 रुपये से ऊपर ही उनका रेट है, 20 रुपये तक, 15 रुपये, और ये चल रहा है। अभी आप देखो किसान को 4 रुपये मिल रहे हैं और वही जब पैकेज बंद हो रहा है और उसका रेट क्या मिल रहा है, 15 रुपये। कितनी उसकी इनकम है, कितना उसमें टैक्स लगेगा, कितना उसमें यहाँ से लेके जाओगे आप, लगा लो कि इसको रोड पे ले जाओ, उसका ट्रांसपोर्ट का कितना खर्चा है, इतना खर्चा नहीं आ सकता है कि अगर मान सकते हैं कि कोई 4 रुपये की चीज़ है वो 1 रुपये उसका रोड टैक्स लग जाता है, 5 रुपये की हो जाएगी, 6 रुपये उसमें 1 रुपये मुनाफा, 7 रुपये, फिर भी 10 से नीचे रेट होना चाहिए था। और आज क्या देख लो उनका, और यही चीज़ है कि अगर आप देखो पाकिस्तान में अगर कह रहे हैं कि उन्होंने ये कृषि के लिए उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास जाएगा तो आप देखो वहाँ के टमाटर का यहाँ का रेट क्या है, आज का रेट क्या है, आज आप 5-6 रुपये और 10 रुपये से नीचे 10 रुपये तक का रेट है, और वहाँ 40-50-60 रुपये है। अगर वहाँ रेट जाएगा, रेट अच्छा मिलेगा, तो अच्छा रेट अगर वहाँ मिलेगा तो यहाँ किसानों को उसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए ऐसा है, इसमें जो विधायक है अपने एरिया में जो रहता है, हो सकता है किसी से कुछ निजी भी उनकी बातें हों, जिसकी वजह से जब भीड़ एक बार उग्र हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग जो हैं इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। अब किसानों ने तो उसको उसके बरखिलाफ उसको काले झंडे दिखाए गए, और उसमें हो सकता है कोई इसी के साथ उनकी कोई लागतबाजी हो सकती है जिसका उन्होंने फायदा उठाया, और जिसमें भीड़ की वजह से फिर भीड़ उग्र हो गई तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है।
तो इसलिए उनका और बीजेपी का तो विरोध आप देख रहे हो पूरे जोरों शोरों से हो रहा है। और अभी हाल ही में हमारे जो नेता जो गए थे अहमदाबाद में, जिनको अभी पुलिस ने आपको देखा होगा पकड़ के ले गए थे, उससे इस चीज़ का और फर्क पड़ता है। अब आप अगर बातचीत नहीं करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते हो, तो इसके आप बताओ कि मीडिया के सामने जब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो आप इस चीज़ के लिए, तो उन्होंने उनको पुलिस के हवाले करवा दी, पुलिस उनको पकड़ के ले गई, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हो। आप बताओ कि आज तक ऐसा कभी हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इजाज़त लेनी पड़ी हो? किसी से नहीं लेनी पड़ी, हमने तो आज तक कभी कुछ सुना नहीं है। तो ये सरकार इस चीज़ को उकसा रही है ताकि ऐसे केस आगे जाके बढ़ें और इस आंदोलन को कमज़ोर किया जाए। हम इस चीज़ को ये कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन ये है जो इसमें भीड़ के बीच में होने की वजह से ये हो सकता है, या किसी का निजी स्वार्थ हो, या किसी ने एक बार शुरुआत करनी होती है और भीड़ का रुख किधर को बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें किसानों का नाम जो है वो हाईलाइट हो जाता है, जहाँ जाएंगे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और किसानों के बीच में कौन गया है? अब हर किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा जाता, जो कहेगा मैं किसान हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं बीजेपी वाला हूँ, उसके कहने पे है ना। वो उसमें ये हुआ है कि उसमें हो सकता है किसी का निजी स्वार्थ हो सकता है, या इसमें सिर्फ उसको उग्र करने की कोशिश की जा रही है। अभी आप देखो बीजेपी हर जगह पर ये काम करवा रही है, हर जगह पर उसको उग्र करने की कोशिश की जा रही है, कहीं भी जा रहे हैं जहाँ समर्थन है, हर जगह पे आप देखो, अगर 100% नहीं है तो 80% जो किसानों के साथ समर्थन दे रहे हैं, जिसमें से जो 20% हैं, 20% में जो एक भी बंदा बीच में जो उसका ऑब्जेक्शन कर देता है तो उसी वजह से वहाँ हंगामा बढ़ जाता है। थैंक यू भाई। मेरा नाम भैया चौधरी वीर सिंह अहलावत, जनपद मुरादाबाद से हूँ और मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल उपाध्यक्ष। पाकिस्तान का व्यापार कॉरिडोर खुल गया है, इससे क्या राय, किसानों को क्या फायदा होगा? भाई पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि होली के इस पावन पर्व पे देश के सभी मजदूर किसानों को इस गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलनरत किसानों की ओर से मैं सभी को हार्दिक बधाई भेजता हूं। और जो अब तक इस आंदोलन में जो हमारे 300 के करीब हमारे जब किसानों की शहादत हुई है, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अब रही बात पाकिस्तान का बॉर्डर खोलने की, के लोगों की आवाजाही खोली है या व्यापार की आवाजाही खोली है, ये बताओ किस चीज़ का खोला है इन्होंने, किस चीज़ का खोला है मुझे जवाब दो। व्यापार का तो व्यापार का खोला है आवाजाही के लिए, तो वो तो भाई उनके देश की माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, माली हालत ख़राब है, वहाँ अनाज की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, चीनी की बहुत ज़्यादा है, दूध की बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी हमारे भाई हैं और वो गुर्बत में जी रहे हैं। मानवता के हिसाब से कहूँ तो खोल दिया तो उन्हें जो है वो उन्हें अनाज मिल जा, सबसे पहला है जियो और जीने दो, सबका अधिकार जीने का है सबको, हैं भारतीय किसान को। देखो जी खुलेगा माल बाहर जाएगा तो मार्केट में भी महंगी होगी, वैसे तो आंकड़े ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी चल रही है, जैसा सरकार कहती है, हम तो देखते ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार को, लेकिन सरकार जो बोलती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जींसों की मंदी है, तो अब इन्होंने अगर खोला है तो इनकी समझ है, देश का किसान, देश के जो हैं, जहां अच्छी बात है अगर दगाबाज पे कभी भरोसा करना नहीं चाहिए। पाकिस्तान भारत के साथ दोस्ती का हाथ तो बढ़ाता लेकिन पीछे से उसकी पीठ में खंजर भोंकने का काम करता, तो ऐसे मुल्क से चौकस और चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कि एक चीज और सिस्टम होता है कि जब हम उनसे कुछ चीज़ उन्हें कुछ देंगे तो उनसे कुछ लेना भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नियम होता है। जब हम उनसे, मान लो हमारे देश में चीनी की बहुत आयत,
और चीनी उनके यहाँ भी ठीक ठाक है, तो वो हमारे यहाँ चीनी भेजने लगे तो हमारे देश के किसान का तो भट्टा बैठ जाएगा अंतर, हमारे देश के तो बाजार में मंदी छा जाएगी चीनी के दामों में है? तो इन चीजों पे सरकार का काम है, ये किसान का काम नहीं है। हमारा तो ये है कि जो देश हमारे देश के भाई हम हैं किसान, और जो बॉर्डर पर बैठा जो इस देश को रखा रहा जवान वो भी मारा ही बैठा, अगर उसके खून की